हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? खेल खेल में आपने कितना कुछ नया सीखा है। आपने आकारों और किनारों के बारे में भी जाना और समझा। पर आज मैं कुछ नया और मज़ेदार अभ्यास लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ओरिगैमी पेपर का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाऊंगी और बहुत बड़ी तैयारी के साथ आई हूँ, आप देख सकते हो। बस आपको मेरे साथ साथ इसे बनाना होगा, ठीक है? तो शुरू करें ओरिगैमी का मजा। सबसे पहले आपको क्या करना है ये भी देख लीजिए। एक पेपर ले और उसे वर्गाकार आकार में बना लीजिए। ये वर्गाकार मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब इसे मुझे इस पोजीशन में रखना है। ऐसे रखूंगी तो वर्गाकार है ही, लेकिन मुझे एक नई आकृति बनाने के लिए इसे इस पोजीशन में रखना होगा, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि वर्गाकार है ये, तो इसके कितने कोने और कितने किनारे हैं? बताइए। इसके हैं 4 कोने, गिने 1, 2, 3 और 4, ठीक है? ये 4 कोने हो गए और ये हैं ये वाला हिस्सा किनारे, और किनारे भी इसके 4, कोने भी 4। किनारे हो गए ये वाले 1, 2, 3, 4। तो अब हम दोनों कोनों को आपस में जोड़कर एक नया आकार बनाते हैं, ठीक है? शुरू करें। ये और ये आपस में मिलाते हैं, तो इसके लिए ध्यान से थोड़ा बनाना होगा। इस कोने से कोना मिलाया, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होगा क्योंकि कोई कोई ओरिगेमी पेपर हार्ड भी होता है। आपको इस तरह से बनाना है कि आपस में कोने मिल जाएं, ठीक है? अब मुझे बताइए कि वर्गाकार जो हमने बनाया था, अब ये क्या बन गया है? कौन सा आकार बन गया है? बताइए मुझे, क्या ये वृत्त है या वर्गाकार या फिर ये है त्रिभुज? बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अब मुझे बताइए कि इसमें कितने कोने और कितने किनारे हैं? बिल्कुल सही, इसमें हैं 3 कोने और 3 ही किनारे, 1, 2, 3। ये हो गए हमारे 3 किनारे और कोने 1, 2 और 3। अब हम इसे एक नया आकार देंगे, जिसके लिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को फोल्ड करना है यानी मोड़ना है, और इसे हम आधा मोड़ेंगे, ठीक है? इस कोने से इस कोने पर मिलाएंगे इस तरह से। ये भी हमारा बन गया एक और त्रिभुज, पर ये छोटा त्रिभुज बन चुका है, ठीक है ना? इसके भी 3 कोने और 3 किनारे हैं, ये देखिए। पर अब हम इसे खोल देंगे इस तरह से, ठीक है? दोबारा उसी आकार में लेकर आएंगे। अब इस त्रिभुज के जो 2 कोने हैं, 1 और 2, इनको भी मोड़ेंगे, ठीक है? यानी एक और छोटा त्रिभुज का आकार बन जाएगा इस तरह से। ऐसे फिंगर को लगाइए और इसे ऐसे मोड़ दीजिए, और इसी तरह इस वाले कोने को भी। ये देखिए, ठीक है? अब आपको ये क्या नजर आ रहा है कि मैं क्या बना रही हूं? अब मुझे बताइए कि इसमें कितने कोने हुए? बताइए, सोचिए। अब क्या करेंगे? अब हम इसके तीसरे कोने को भी ऊपर की ओर मोड़ेंगे। ये रहा हमारा तीसरा कोना, ठीक है? इस तरह से। ये अब ये नई आकृति बन गई। अब लेकिन इसे पूरा नया रूप देने के लिए कुछ तो करना होगा, यानी इसकी हमें आंखें भी बनानी है यहां पर, और नाक भी बनानी है। ये हमारा नया आकार बनने वाला है। तो चलिए, एक लेंगे स्केच पेन और आंखें बनाना शुरू करते हैं।
एक आंख हमारी इस साइड हो गई और ये दूसरी आंख, ये दो आंखें हो गई। और अब हम छोटी सी यहां पर एक त्रिभुज में ही यानी त्रिकोण शेप में ही नाक बना देंगे, ये रही। अब तो आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि मैं ये क्या बना रही हूं। ये देखिए, ये क्या बन गया हमारा, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, ये है हमारा पेपर डॉग यानी कागज का कुत्ता। अच्छा है ना। वैसे एक और इसमें नयापन हम ला सकते हैं, बताऊं वो क्या है? वो इसको आपको इस तरह से उल्टा करना है और हल्का सा पीछे फोल्ड दे देना है, ज्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा, ताकि पेपर डॉग की जो गर्दन है वो दिखाई दे हमें इस तरह से। बच्चों, पेपर का डॉग यानी ये कागज का प्यारा सा कुत्ता तो हमने बना दिया। अब हम बनाएंगे कुछ वस्तुओं की छाप से नई आकृतियां, ठीक है? जैसे कि शार्पनर, बोतल का ढक्कन, इससे, और ये रहे हमारे पत्ते, इन सब का अब हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम लेंगे ये शार्पनर, इसके लिए हमें एक ब्रश चाहिए और कलर अपनी पसंद का ले सकते हैं। मैं ले रही हूं रेड कलर, किसी भी साइड से आप ले सकते हैं, इसको कलर करना है इस तरह से, इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, ताकि जो छाप आए वो अच्छे से आ जाए। इसको लेके, और ये रहा, बस इसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए और आराम से उठाइए। ये देखिए कितना प्यारा छाप बन गया है ना। अब इसके अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी रंग भर सकते हैं। और इसी तरह अब मैं दूसरा छाप बनाती हूँ, ये है बोतल का ढक्कन। इसमें आप चाहें तो कोई और भी रंग भर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसमें लाल रंग ही लगाऊंगी। थोड़ा सा आराम से करेंगे ना तो बहुत ही नीटली काम होगा। ये देखिए, ये कौन सा शेप है यानी आकार है आपको दिखाई दे रहा है? जो शार्पनर से बनाया हमने वो था हमारा आकार रेक्टेंगल यानी आयत, और ये जो है ये बन गया हमारा सर्कल। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए तो आप उसे ब्रश से भी उसको आकार दे सकते हैं, इसके बीच में कोई भी रंग भर सकते हैं अपनी पसंद का। तो है ना कितना आसान। इसी तरह आप और भी वस्तुओं के छाप बना सकते हैं। चलिए कैसे दिखाते हैं आपको। बच्चों, आपने हाथों में मेहंदी लगाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहंदी लगाना कितना आसान है? हमारी इस वाली एक्सरसाइज यानी अभ्यास में राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। तो आप भी एक कागज पर अपने हाथों का छाप लेकर मेहंदी की डिजाइन बना सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसके लिए आपको लेना है एक A4 साइज व्हाइट कलर की पेपर शीट, ये मैंने ले ली। आप इसको ऐसे रख सकते हैं या कैसे भी रख सकते हैं, मैं ऐसे रखूंगी इसको क्योंकि मुझे भी अपने हाथों का छाप बनाना है इस पर। वैसे आप हाथों पे भी लगा सकते हो और पेपर शीट पर भी लगा सकते हो, तो क्यों ना मैं सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों की छाप बनाऊं। उसके लिए मैं ये स्केच पेन ले रही हूँ और ये बना रही हूँ छाप, ठीक है? फिर हम मेहंदी लगाएंगे। बहुत अच्छी छाप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये बन गया हमारा हाथों का छाप, है ना सुंदर? अब आप चाहें तो इस पर भी मेहंदी लगा सकते हैं और चाहें तो अपने हाथों पर भी, पर अभी फिलहाल मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है यानी गोला, इस तरह से। ये बन गया हमारा गोला, ठीक है? ये देखिए, और उसके बाद आपको उसके थोड़ी सी दूरी पर छोटे छोटे बिंदु बनाने हैं इस तरह से, बहुत आसान है।
ये देखिए कितना आसान है मेहंदी की डिजाइन बनाना। इस तरह से आप छोटे छोटे बिंदु इस बड़े वाले सर्कल के चारों तरफ लगाते जाइए। ये बन गया। देखिए, चलो मैं अपने हाथ पर लगाती हूँ इस मेहंदी के डिजाइन को, और इस तरह से आप भी अपनी पसंद की कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, बनाइए। बच्चों, मेहंदी की तो बहुत अच्छी डिजाइन बनी है। अब अपने अगले अभ्यास को करते हैं। यहाँ नित्या ने बहुत सी पत्तियां इकट्ठी की हैं। वो इनके साथ खेल खेल में एक अलग ही खूबसूरत पैटर्न बना रही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए और सीखिए। तो चलिए हम भी बनाते हैं इस तरह के पैटर्न को। इसके लिए मैंने एक ये पत्ती ली है। आप कोई भी पत्ती ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसा भी आप पैटर्न बनाना चाहते हो। ठीक है, ये रही पत्ती, और एक लिया हमने ब्रश, और रंग अपनी पसंद का ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ पीला रंग। इसको अच्छे से डिप किया और इस पत्ती पर लगाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कलर नहीं आता तो उसे बाद में भी हम कर सकेंगे, क्योंकि पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। और अगर एक बार में नहीं बनता तो दोबारा भी आप कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो हमने इसको कलर कर दिया। अब हम इसको पेपर पे इस तरह से रखेंगे। ये इसको हल्का सा टैप कर सकते हैं और फिर हटा देंगे। इसी तरह से दोबारा इसको करिए। बहुत आसान है पत्तियों से एक नया पैटर्न बनाना। आप जैसे एक इधर हमने बना लिया, इसको ऐसे रख लिया, थोड़ा सा सावधानी से इस तरह से। आप देखिए इसमें थोड़ा कम कलर लगाए, कोई नहीं, इसको हम बाद में ब्रश से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर पत्ता अलग अलग डिजाइन का होता है और पत्ते की जो स्ट्रेंथ होती है उस पर भी डिपेंड करता है। ये पत्ता थोड़ा मुलायम है, सॉफ्ट है। अब ये पीला रंग मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये वाला थोड़ा सही बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको फिल कर देंगे, क्योंकि जहां भी खाली है इसको हम इससे भी फिल कर सकते हैं। ये बन गया, और भी कलर ले लीजिए। ये देखिए, है ना कितना आसान, सुंदर है ना। अब हम इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए क्या करने वाली हूं, मैं इसके बीच में ये वाला फूल रख देती हूँ ताकि ये और भी सुंदर लगे। ये देखिए, है ना कितना खूबसूरत फूल बन गया ना, एक नया पत्तियों का पैटर्न। इसी तरह आप और भी अपनी मनपसंद के पैटर्न बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के कलर्स और पत्तियों का इस्तेमाल करके और बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन लेकर आप एक नई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी रंगों और रंगीन कागज की मज़ेदार एक्सरसाइज यानी अभ्यास, जो खेल खेल में हमने देखा और समझा। इसी तरह आप और भी कई तरह की मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी मैं। तब तक के लिए आपसे कहूंगी कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेल खेल में कुछ नया सीखते रहिए। बाय बाय।